सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। अब यार देखो, जब भी कोई वन पीस फैन वन पीस की तारीफ करता है तो कुछ चीजें वो जरूर करता है, जैसे कि वन पीस का वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, वन पीस में बहुत सारे मिस्ट्रीज है, वन पीस में ऐसा वैसा है। और उन्हीं में से एक मिस्ट्री निकल के आता है वन पीस के स्पीसीज। बिकॉज अगर हम वन पीस के वर्ल्ड को ध्यान से देखें, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के आइलैंड्स हैं, बट वन पीस के वर्ल्ड में क्या इन आइलैंड्स से किसी को फर्क पड़ता है? बहुतों को नहीं पड़ता, पर कुछ लोगों को अलग ही चुल है, क्योंकि इन आइलैंड्स में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग हिस्ट्री को जानने की ताकत रखते हैं। बिकॉज इन लोगों को कुछ ना कुछ एंशेंट हिस्ट्री के बारे में मालूम ही है, और अगर ये लोग इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, स्काइपिया वालों को छोड़ के बाकी अगर मैं लोगों की बात करूं, भाई बाकियों पे तो वर्ल्ड गवर्नमेंट जासूसी ही करके रखती है। और यहाँ पे ना, तुम एक बात गौर करना, वन पीस के वर्ल्ड में अलग अलग प्रजाति के लोग भरे पड़े हैं, सिर्फ एक टाइप की प्रजाति एग्जिस्ट नहीं करती है। अब 800 साल पहले कैसा था, आज के टाइम पे कैसा है, आज के टाइम पे अगर तुम ध्यान से देखो वन पीस का वर्ल्ड कैसा है, अगर कोई भी 800 साल पुराने इतिहास के बारे में बात करता है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ जाएगी, उसको पकड़ लेगी, सीधे सूली पे चढ़ा देगी। लेकिन यार वही अगर मैं बात करने जाऊं आज से 800 साल पहले की, तो यार उस वक्त का दौर कैसा था ये किसी को मालूम है? बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, हमें कुछ ऐसी चीजें ओडा की तरफ से जरूर बताई गई हैं जिन पर मैं बात करना चाहूंगा। कुछ इशारे दिए हैं कि 800 साल पहले वन पीस का वर्ल्ड कैसा था। अगर हम चले वन पीस के मांगा चैप्टर 300 की तरफ, यहाँ पर क्या होता है, ये बुढ़ाव जो है बात कर रहा होता है, वहां पर ये बताता है इन एंशेंट टाइम वॉरियर्स के पास खुद का रीजन होता था वॉर के लिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या किसी के पास वॉर के लिए रीजन है? बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे कोई भी वॉर नहीं चाहता है, सिवाय एक को छोड़ के, जो कि फ्यूचर में सबसे बड़ी वॉर लाएगा। ये खुद ओडा ने कंफर्म करके रखा है कि भाई वो वानों के बाद वो सबसे बड़े वॉर को सेटअप करेंगे, वो मांगा हिस्ट्री की अब तक की सबसे खतरनाक वॉर लिखने वाले हैं। खैर मैं थोड़ा ना ट्रैक से भटक गया था, मैं दोबारा मुद्दे पे आता हूँ। उस मांगा चैप्टर में वो बुढ़ाव इतने में ही नहीं रुकता, वो और भी कहता है, हमारे जनरेशन के लिए स्काई हमारा घर है, इस अर्थ ने उन्हें कभी भी रिजेक्ट नहीं किया। प्लस यहाँ पर जिस हिसाब से ये कह रहा है, भाई ये मत समझना कि वो सिर्फ अपने प्रजाति के लोगों के लिए ही कह रहा है, ये एक तरह से ना लाइन सिर्फ एक प्रजाति की ओर इशारा नहीं करती है, ये वन पीस के वर्ल्ड के हर तरह के प्रजाति की ओर इशारा करती है। ये लोग अर्थ में जो रहते हैं, मतलब वन पीस के वर्ल्ड में जो रहते हैं, उस अर्थ ने इन्हें कभी भी रिजेक्ट नहीं किया, ये लोग ही आपस में एक दूसरे को रिजेक्ट करते थे। अब मैं थोड़ा आना चाहूंगा वन पीस के मांगा चैप्टर 908 में, बिकॉज यहाँ पर हमें गोरोसे के कन्वर्सेशन से कुछ बातें पता चलती है कि 20 किंग्स जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनमें से नाफ्तारी फैमिली, जो कि अल्बास्टा वालों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने इन्हें एक तरह से बिट्रे किया था। प्लस अगर तुम इन बुड्ढों पर ध्यान दो तो ये लोग बस बैलेंस की बात करते रहते हैं, ये लोग वर्ल्ड का बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। मतलब एक तरह से भाई, जहां पर कोई भी पास्ट के बारे में बात ना करे, जैसा चल रहा वैसा चलने दो, सेलेस्टियल ड्रैगन जो करना चाहे करने दो, और इसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब भाई ये लोग किसी को जान से मारना भी एक टाइम के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी सोचते नहीं है कि क्या गुजरेगा। मार दो मतलब मार दो, पर ऐसा क्यों? मैं दोबारा से अपना आना चाहूंगा भाई वन पीस के स्पीसीज को लेके, बिकॉज जिस हिसाब से थ्योरीज बनती है, बहुत ज्यादा थ्योरीज बनी है यार इस पे, जिस तरह से लोग कहते हैं वन पीस के वर्ल्ड में 8 चांद है, जिस पर मेरे को भी लगता है कि 8 चांद हो सकते हैं, पता नहीं 8 चांद थे, 8 प्लैनेट थे, पता नहीं जो भी थे, लोग ऐसा कहते हैं और थ्योरीज भी ऐसा कहती हैं कि ये जितने भी प्लैनेट्स थे इन सबको तबाह कर दिया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा, और वो स्पीसीज जो है आकर के अर्थ पे रहने लगे, मतलब जो वन पीस का अभी का जो वर्ल्ड है, और ये यहाँ पर रहने लगे। देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये स्पीसीज कहीं से भी आए हों, चाहे वो दूसरे वर्ल्ड से भी आए हों या फिर इस वर्ल्ड से भी आए हों, मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर मैं एक चीज़ कहूँ, ये लोग जिस हिसाब से अर्थ में रह के एक दूसरे को मतलब रिजेक्ट किया, मतलब आपस में तालमेल नहीं था। प्लस वहीं अगर मैं जाऊँ वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ, आज से 800 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट थी या नहीं थी? भाई वो नहीं थी। उन्होंने 800 साल पहले किसी वॉर को जीता, जिसको जीतने के बाद 20 किंगडम्स ने मिल करके भाई वो जो आज की वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो बनने में कामयाबी हुई, जिनमें से एक ने उन्हें बिट्रे किया था, प्लस जॉय बॉय नीका उस वक्त भी थे। अब नीका जो है वन पीस के वर्ल्ड में गॉड माना जाता है, सन गॉड माना जाता है।
अब उस टाइम पे जॉय बॉय भी था, उस टाइम का जो डेविल फ्रूट यूजर था, उसने जरूर इन सभी स्पीसीज को साथ में लाने का ट्राई किया होगा और उनको लेकर के उसने वॉर छेड़ा होगा जिसमें जॉय बॉय हार गया होगा, वरना अगर वो नहीं हारता तो आज के टाइम पे हमें ये वर्ल्ड देखने को नहीं मिलता। प्लस जिस हिसाब से वन पीस के मिस्ट्रीज यार आज के टाइम पे भी 1049 चैप्टर आ चुके हैं, पर फिर भी भाई एक को चीज रिवील नहीं हुआ ठीक से। ओडा इतने सारा मिस्ट्रीज छिपा के रखा है, क्या ही बोलूँ। आज के टाइम पे भी हम लोग परफेक्ट पास्ट को अंदाजा नहीं लगा सकते, चाहे जितना भी थ्योरीज लगा ले। प्लस एक बात याद रखना, हमें अभी तक पूरे वन पीस में अगर किसी का एग्जैक्ट लोकेशन, जो मतलब उनका एग्जैक्ट घर हुआ करता था 800 साल पहले से, वो सिर्फ एक ही प्रजाति का बताया गया, वो है सिर्फ लूनारियन। ये स्पीसीज जो है रेड लाइन में रहा करती थी, मतलब आज से 800 साल पहले वर्ल्ड सेंचुरी के टाइम पे भी ये लोग वहां पर रहते थे, उससे पहले भी ये लोग वहां पर रहते थे। मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी सभी स्पीसीज का भी कोई ना कोई एक अलग एरिया रहता होगा, कोई ना कोई अलग प्लैनेट हो, जो भी हो। ये वन पीस के वर्ल्ड में जिस हिसाब से थ्योरीज बनती है, अलग अलग प्लैनेट होंगे, अलग अलग चांद होंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, फिर उसके बाद ये लोग यहाँ पर रहने के लिए आए होंगे, पर इन्होंने एक दूसरे को रिजेक्ट किया, मतलब आपस में ही बनती नहीं थी। पर फिर आया जॉय बॉय और जॉय बॉय ने क्या किया, इनको जो है आपस में लाया, बोला कि हम लोग सब साथ में रहेंगे। और इन लोगों को अगर साथ में रहना था तो उनको सबसे बड़ा जो इनका मेन टारगेट था, भाई आज की वर्ल्ड गवर्नमेंट को टेक डाउन करो, इनको अगर ये लोग नहीं हराएंगे तो वो लोग शांति से नहीं रह सकते, जिसमें भाई जॉय बॉय की हार हुई। प्लस इन स्पीसीज का भी माइंड वॉश किया गया, जिस हिसाब से इनको छिपाया गया, इनके दिमाग से वो चीज़ हटाया गया, हिस्ट्री के बारे में किसी को जानने नहीं दिया, और इस तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने क्या किया, वर्ल्ड को बैलेंस कर दिया। पर आज के टाइम पे क्या ये वर्ल्ड बैलेंस है, बिल्कुल भी नहीं है। जिस हिसाब से यार रेवरी में डिसीजन लिया गया वॉरलॉर्ड सिस्टम बंद कर दो, एक चीज मैं बताऊं, ये वॉरलॉर्ड के बंद होने से ना बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है वर्ल्ड गवर्नमेंट को। प्लस जिस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि भाई डॉक्टर वेगापंक कुछ टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा जो वॉरलॉर्ड को भी सरपास करेगा, देखो एक चीज मैं कहूँ, तुम किसी को भी कर लो, पर एक वॉरलॉर्ड ऐसा है ना, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन, इसका रिप्लेसमेंट कहाँ से लाओगे? तो हाँ भाई तुम सही समझ रहे हो, कंफ्यूजन तो है, पर कंफ्यूजन में सॉल्यूशन क्या है पता नहीं, जिसका सॉल्यूशन सिर्फ ओडा को ही पता है। और हम सबको जहाँ तक लग रहा है, जिस हिसाब से लूफी ने कांड किए हैं, जिस हिसाब से वो अलग अलग आइलैंड्स पे जाता है, वहाँ पे दोस्त बनाए, अपने अलायंस बनाए हैं, भाई वो आज के टाइम पे ना अलायंस के मामले में देखने जाए ना तो सबसे बड़ा अलायंस तो लूफी का ही होगा, और फ्यूचर में पक्का भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाली है। खैर अब तुम सबका क्या मानना है, अपनी राय जरा कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना। तुम लोगों को अगर ये वीडियो को लेकर कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल मेरे को पूछना है तो जरूर पूछो।